अस्सलाम वालेकुम। बॉइलिंग पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कहता है अगर आप कोई भी लिक्विड ले लें, तो ये अमूमन हमारे फ्रिज वगैरह के अंदर काम यही हो रहा होता है, कहता है कोई भी लिक्विड लें, लिक्विड ले कर आप उसको ना ठंडा करना शुरू कर दें। ये कोई भी लिक्विड ले कर आप उसका टेम्परेचर ठंडे करने का मतलब क्या है कि आप उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, ऐसा ही है। अब कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, कोई भी चीज़ जमे, सही, यानी कि लिक्विड से वो चीज़ सॉलिड में चेंज हो जाए, उसको हम फ्रीज कहते हैं, सही। जैसे हम कहते हैं जी बर्फ़ जम गई है, वो फ्रीज हो गई है, इंग्लिश के अंदर कहेंगे जी वो फ्रीज हो गई है। तो अब होगा क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं एक ऐसा वक्त होता है जहाँ भी, मैं सिंपल अगर बिल्कुल सिंपल बात कहूँ ना, कहते हैं वो एक ऐसा वक्त है जहां पर सॉलिड को थोड़ा थोड़ा बीच में सॉलिड होगा और थोड़ा थोड़ा वाटर होगा। इस वक्त जो इस चीज का टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में आएगा कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड, ये थोड़ा थोड़ा सॉलिड होगा यानी बर्फ थोड़ी थोड़ी सी बनी होगी, बाकी थोड़ा थोड़ा पानी होगा, उस वक्त जो सॉलिड का टेम्परेचर होगा, सही, या फिर वो लिक्विड का या सॉलिड का जो भी टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का, वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट के जमरे में आता है। किसके जमरे में आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात तो हमने कर ली, अब यहाँ पर ना दो फिर टर्म यूज करेगा, सही। एक तो हमारे पास वेपर प्रेशर है लिक्विड का, जिस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट में कहा था जी, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नहीं कहेगा, कहेगा जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए सॉलिड स्टेट या सॉलिड का प्रेशर। देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, चेक करें, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, ऐसा ही है, यानी बर्फ सॉलिड होती है, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में। कहते जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर के, उस हालत को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उस हालत को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट पे दो चीजें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो कौन कौन सी हैं जी, सॉलिड और लिक्विड। चलें लिखना स्टार्ट करें, डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट की दो ही चीजें लिखनी है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, खत्म। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट यहां से करें, द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर वो दर्जा हरारत है, द टेम्परेचर एट विच जहां पर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा बिकम इक्वल टू, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। पूरा लिखना, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इस हालत को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं जब फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी चीज़ फ्रीज हो रही होती है ना, उसमें दो चीज़ें एक इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाती है, कौन कौन सी, यह आपने देखा होगा जब वो बर्फ रखते हैं ना, कोला पानी का भर के ऊपर रखें, वो एक वक्त ऐसा आता है जब उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ होती है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है टोटली बर्फ में चेंज हो गया, सही। हमने कहा था हमने टोटली बर्फ का टेम्परेचर नहीं देखना, उस वे टेम्परेचर देखना है जब थोड़ी थोड़ी बर्फ हो, थोड़ा थोड़ा पानी हो, उस वे टेम्परेचर नोट कर लें, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सही है। कहता उस वक्त दो चीज़ें इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाती हैं, वो लिक्विड होता है और सॉलिड होता है, बस। एट फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा आगे करके लिख लीजिए, एट फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ ना, एट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, द लिक्विड एंड द सॉलिड, द लिक्विड जो लिक्विड होता है एंड सॉलिड एग्जिस्ट या को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम
सही, को एग्जिस्ट का मतलब होता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद बरकरार रखना या पाए जाना। को एग्जिस्ट को वर्ड जहां पे आ जाना मतलब दो चीजों का इकट्ठे, दो चीजों का इकट्ठे, मसलन कोऑर्डिनेट। सही है, और इसके बाद हमने एक और भी इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, क्या? कोऑपरेटिव। सही है, जहां पे दो दो चीजों के दरमियान में तल्लुकात वगैरह को जाहिर करता है, हम कहते हैं कोऑपरेट है, ये आपस में एक दूसरे से बोल देता है कोऑपरेट। यानी यहाँ पे को एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एग्जिस्ट का मतलब तो हमें पता है कि वजूद बरकरार रखना, पाए जाना। को एग्जिस्ट दो चीजों का एक ही वक्त पर पाए जाना, उसको को एग्जिस्ट कहते हैं। इस चीज का हम नाम दे देते हैं, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है एग्जाम्पल। कौन सा चीज? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर बात करूं ना, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास है वाटर की। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0°C। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0°C। क्या वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये 0°C होता है। सही है, चले कोई बात नहीं, सही हो गया। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0°C। ये एग्जांपल हो गया। बस इसमें जो इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है। सही है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर और एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को समझा देता हूँ कि क्या होता है। असल में ये चीज़ जमना की शुरू हो जाती है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, चीज़ जमना की शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात है, कहते जब हम टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल पहले बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। सही, क्या होता है? मॉलिक्यूल बड़े तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर कम करता हूँ, क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल बिल्कुल स्लो मोशन, अगर और कम करूँगा एक वक्त आएगा स्लो उनकी मोशन रुकी जाएगी। जैसे ही मोशन रुकेगी वो एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे सारे के सारे। इस तरह क्या हो जाएंगे? एक जगह पे फिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जो वो चीज़ क्या होगी? जमना शुरू हो गई है। रीज़न क्या है? काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, क्योंकि मोशन कम होगी। हाँ, अगर हम दोबारा फिर टेम्परेचर देते हैं कोई सॉलिड चीज़ को, दोबारा फिर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। सही है, सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ फ्रीज क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल की हरकत रुक जाती है। सही है, बात याद रख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।